एप्लीकेशन लगाई है। किस बाबत? इसकी वाइफ की डिलीवरी होना है, 9 मंथ चल रहा है और घर पे कोई नहीं है, 9 इयर्स की बच्ची है उसकी सर। और पहले भी इंटरम पे क्या हुआ? आप किस ऑफिस में हैं आप? 376। अच्छा सर, इसको जेल में कब से हैं? मोर देन 9 इयर्स। 9 इयर्स पहले भी सर इसको इंटरम मिली, विद इन टाइम सरेंडर, और तभी डिलीवरी होनी थी। एक मिनट, बच्ची आप जेल में कब से हो? जेल में 9 इयर्स से। नहीं, तारीख तो बताओ, डेट ऑफ। हाँ तारीख बताओ भाई। 2 बार टेम्प्रोरी बेल मिल गई डिलीवरी कराने के लिए, तो समझे तो कब से तुम जेल में हो? नहीं सर, पैरोल पे आते हैं 3 महीने में 15 दिन की पैरोल मिलती। हाँ, उस पर घर पे आ गए। अभी आपने 2 बार कही ना कि पहली बार दरखास्त भी लगाई थी डिलीवरी कराने के लिए, अब दूसरी दरखास्त भी डिलीवरी कराने के लिए, तो समझ में तो आ गए कब से जेल में हो, कब से कितनी बार डिलीवरी करवाओगे? कुछ तारीखें बताएं आप। हाँ ये सर, घटना कब की है? घटना 2012 की है सर। आप जेल में कब से हैं? अक्टूबर 12 से ही। अक्टूबर 12 से हैं जी सर। और पहली बेल, टेम्प्रोरी बेल आपकी कब अलाउ हुई सर? टेम्प्रेरी बेल हमें मुझे मिली है सर, एक 3/7/17 को और एक 5/7/19 को है। एक दूसरी कब मिली? 5/4/19 को। 5/4/19 को वाइफ के इलाज के लिए और उसके लिए मिली। तो 3/7/17 को किस लिए मिली थी सर? वो ऑर्डर मेरे पास नहीं है सर। आप 2012 से जेल में हो। हाँ सर। और 3/7/17 को आपको बेल मिला, कितने महीने की बेल थी सर? ऑर्डर मेरे पास नहीं सर। नहीं आप देखो उसको, क्योंकि 3/7/17 को बेल मिली, अब वापस कब गए? बेल जो इंटरिम पीरियड था उसका कंप्लीट 2 महीना। ऑर्डर मेरे पास प्रेजेंट है। और फिर 5/4 को मिली, मतलब 5/4 के पहले गए होंगे आप। 5/4 इलाज के लिए मिली थी उसको। आप समझो बात, प्रॉब्लम थी, सवाल समझो पहले। 3/7/17 को आपको बेल मिला जी, टेम्प्रेरी बेल मिला ना? टेम्प्रेरी बेल, तो ये कुछ महीनों के लिए मिला होगा आपको। हाँ सर। इन एनी केस 5/4/19 के पहले तक आप सरेंडर कर लिए होंगे। 5/4/19 को सेकेंड टेम्प्रेरी बेल मिली ना आपको? जी सर। 3/7/17 को सर इंटरम में लिए है। अभी आप भी खुद ही बताया आपने, 3/7/17 को पहली इंटरम बेल मिली। हाँ, लेकिन सर वो डिलीवरी के लिए नहीं मिली। वो हम कुछ कह रहे हैं क्या उसके बारे में? नहीं, हम तो इसमें केवल फैक्ट वेरीफाई कर रहे हैं कि 3/7/17 को आपको पहला टेम्प्रेरी बेल मिला जी, उसके बाद 5/4/19 को टेम्प्रेरी बेल मिला जी। तो सरेंडर कब किया आप? जो पीरियड एक्सपायर हुआ इमीडिएट सरेंडर। कब सरेंडर हुआ सर? वो ऑर्डर देखना पड़ेगा, मैं ऑर्डर, वो ऑर्डर देख करके फिर ये एक्सक्यूज बताओ। इसको जब तक वेरीफाई करते हैं सर, उसकी क्या वेरीफाई करना? ये डॉक्यूमेंट आप खुद ही बता रहे हैं सर, ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लें जिसके लिए मैं बेल एंट्री बेल नहीं, नहीं, ये तो फ्लेम एक्सक्यूज दिख रहा है कि आप 2019 के बाद निश्चित तौर पर 5-6 महीने में चले गए होंगे वापस। इतनी ज्यादा नहीं मिली सर, जो भी है कमी मिला, मैं बता दूंगा सर। पूछ के आओ, क्योंकि आप 2022 में डिलीवरी के लिए डेट मांग रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे सर। उसका इसलिए कह रहा हूँ कि ये पैरोल पे हर 3 महीने में एक्यूज जाता। मुझे नहीं पता कब जाता कब नहीं जाता वो, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि आप वेरीफाई करके बताओ। हाँ, मुझे वो मैं वेरीफाई करा लूंगा ये सर, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर, तो नेक्स्ट वीक। बट ऑल सडन डन, इसके लिए तो बेल में मुश्किल है। आप बहुत से घर में होंगे आप? नहीं है सर, मैंने लिखा है और पंचनामा और डॉक्यूमेंट भी लगाए सब, वेरीफाई स्टेट करा ले। नो, क्योंकि 9 इयर्स की बेटी है और ऑफेंस बहुत हीनियस है, इसमें दिक्कत सर। नेक्स्ट वीक कुछ नहीं, खत्म सर, कुछ नहीं है सर। ऐसी कोई एलिमेंट थोड़ी ना है। एलिमेंट सर पुनर्जन्म होता है एक महिला का डिलीवरी के समय सर, कोई सर प्रॉपर मैंने इस ग्राउंड पे बेल दी नहीं है। इसलिए वी डोंट एग्री विद यू ऑन दिस इशू। वेटो कर लेते, हम एक को देंगे फिर हमें सबको देनी पड़ेगी। वेटो कर, यस।